नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा जो पार्ट रहेगा उसके आज अपने जो बात करेंगे वो करेंगे वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज होते क्या है। इससे पहले जो भी क्लासें आपको है मैंने पहले आपको करंट के बारे में बताया था कि करंट होती क्या है, आवेश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वोल्टेज की, वोल्टेज क्या होगी। तो आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वोल्टेज। अब इस वोल्टेज के अंदर आप लोगों ने दो से तीन चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देखें, एक तो आपने पढ़ा होगा कि विभव, ठीक है, पोटेंशियल जिसको कहा जाता है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा विभवांतर। एक आपने पढ़ा होगा EMF और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज और एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा विभव, विभवांतर, EMF हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, एक आपने पढ़ा होगा वोल्टता ड्रॉप। तो ये जितनी भी मैंने आपको टर्म लिखी है तीनों के पांचों के अंदर क्या क्या रिलेशन रहेगा या पांचों किस प्रकार से आपस में रिलेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने बात करेंगे विभव के बारे में कि विभव क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल। फिर आप लोग अगर देखेंगे तो इन सभी पांचों के अंदर कुछ चीज़ें जो होगी वो कॉमन होगी, यानी कि पांच जो मैंने यहाँ जितने भी टर्म लिखे हैं विभव, विभवांतर, EMF, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, इन पांचों के अंदर कुछ चीज़ें जो होगी वो आपस में क्या एक दूसरे से संबंध रखती है। तो पहला जो अपना टॉपिक रहेगा उसके अंदर हमने बात करेंगे विभव के बारे में कि विभव होगा क्या। विभव की डेफिनेशन देखो क्या रहेगी कि कोई भी जो चार्ज होगा, यानी कि कोई भी चार्ज होगा उस चार्ज को अनंत से, यानी कि ये मान लेते कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, यानी कि आवेश को, ये क्यों आवेश था, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो काम किया जाएगा, अनंत से इसके किसी भी पॉइंट पर लाने में जो काम किए गए उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, यानी कि विभव बोलेंगे। मतलब क्या रहेगा, इकाई आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के बारे में भी अपने बात करेंगे जैसे जैसे ये टॉपिक चलता रहेगा, इसी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया जो कार्य जो होगा, किया गया जो वर्क जो होगा उसी को आप लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल बोलेंगे, यानी कि यहाँ तक, ठीक है, यानी कि आवेश होगा इसको आप लोग यहाँ से यहाँ तक लाने का काम करोगे। और आपको पता है कि दो तार जो होगी उस तार के बीच में आप लोग काम क्या करेंगे, एक तरफ फेज देंगे एक तरफ न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ हमने देखेंगे कि जो फेज का जो विभव होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल जो टर्मिनल होगा उसका विभव क्या होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है विभव की, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। तो उसे किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, उस बिंदु का विभव कहा जाता है, ठीक है, उस बिंदु का विभव कहा जाता है। अब इसका फार्मूला देखें, इसका जो फार्मूला जो बनेगा इसकी डेफिनेशन सही बनेगा, और ये जो फार्मूला आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर जो मात्रक का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 DMRC के अंदर पूछा गया था। तो फार्मूला देखो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका फार्मूला अगर आप लोग देखें तो वी बराबर जो बनेगा वो डब्ल्यू अपॉन में क्या बनेगा, क्यू। अगर आप लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि इकाई आवेश, यानी कि अगर मैं Q का मान एक ले लेता हूँ, एक कूलाम ले लेता हूँ, तो V बराबर क्या बनेगा, W बनेगा, और ये आपकी डेफिनेशन तैयार होगी कि इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कि वर्क होगा, और वर्क ही उसको क्या बोलेंगे, उस बिंदु का विभव बोलेंगे। तो इसका फार्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है। इसके अलावा जो V बराबर IR पढ़ोगे वो ओम के नियमों के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो विभव होगा V बराबर W1 में क्यों रहेगा, जब आप लोग पावर पढ़ेंगे तभी इस फार्मूले का अपने क्या करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे। अब आप लोग यहाँ से देखें, इसके अलावा इसका और फार्मूला आप लोग V बराबर IR भी पढ़ते हो, ठीक है, जैसे जैसे अपने आगे चलेगा वैसे वैसे चलता रहेगा। लेकिन वहाँ जो ये V होगा, वहाँ ये जो V होगा ये विभव नहीं होगा, वहाँ ये V जो होगा ये विभवांतर होगा। यानी कि ओम के नियमानुसार अगर आप लोग देखते हो V बराबर IR जो देखते हो, तो ये जो V होगा, ये V जो होगा ये विभव नहीं होता, इसको विभव का अंतर कहा जाता है। यानी ये जो V होगा यहाँ विभवांतर होगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें, और या विभवांतर नहीं देगा तो आपको वोल्टेज देगा।
तो यहाँ से आपको क्या बात याद रखनी, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होगी वो क्या रहेगी, फार्मूला इसका क्या रहेगा। अब इसकी यूनिट देखेंगे हमने, ठीक है। यूनिट अगर आप लोग देखें, देखो V बराबर क्या रहेगा, W अपॉन में Q रहेगा। तो एक यूनिट तो आपको पता है कि जो आदरे सादरे वोल्टा थे, जिन्होंने पहला जो सेल तैयार किया था वोल्टीय सेल था, उसके कारण उन इस विभव का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा वोल्ट। यानी कि पहली जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। एक बात याद रखना। दूसरी बात देखो, ये वोल्ट जो होगा, यानी कि वोल्ट जो होगा, W का जो मात्रक होगा, कार्य का जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा, जूल होगा, और आवेश का जो मात्रक रहेगा वो कूलाम रहेगा। तो दूसरा आपको क्या बात याद रखनी है कि वोल्ट बराबर जो होगा, यानी कि ये जो वोल्ट बराबर क्या रहेगा, ये जूल होगा और नीचे क्या आएगा, कूलाम। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जूल प्रति कूलाम जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना, वोल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद देखें, ठीक है, इसके बाद आपके पास एक तो क्या होगा, फेज होगा, ठीक है, सिंगल फेज होगा आपके पास, सिंगल फेज होगा। इसका विभव अपने देखेंगे, एक अपने पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, सिंगल फेज पोटेंशियल या विभव जिसको आप लोग बोल सकते हो। एक अपने पास क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एक अपने पास रहेगा अर्थ, यानी कि पृथ्वी रहेगी, ठीक है, और न्यूट्रल को उदासीन बोला जाता है। अब आप लोग देखें कि भारत की जो घोषित सिंगल फेज वोल्टेज है वो 230 है। इसका मतलब सिंगल फेज जो सप्लाई होगी, इसका जो पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो इसका जो एक बिंदु का जो विभव होगा वो कितना रहेगा, 230 वोल्ट। यानी कि जो फेज का जो विभव होगा वो कितना होगा, वो 230 होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जो न्यूट्रल जो होगा इसका कोई विभव नहीं होगा और ये उदासीन होगा। इसका मतलब इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और पृथ्वी का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका विभव भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आपको बात याद रखना है कि पृथ्वी जो होगा उसको न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का विभव भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि सिंगल फेज होगा उसका पोटेंशियल कितना होगा, 230 होगा। न्यूट्रल का अगर आपसे पूछा जाए तो जीरो होगा। अर्थ का भी अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, जीरो वोल्ट होगा। तो इतनी बात आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद देखें, तो ये तो बात थी पोटेंशियल के अंदर, और यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंगल फेज का जो पोटेंशियल होगा वो 230 वोल्ट होगा। न्यूट्रल का अगर आपसे पूछा जाए तो जीरो होगा। अर्थ का पूछा जाए तो जीरो होगा। अब अपने बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका क्या होगा, तो एक तो चीज़ आपको इसका फार्मूला याद रखना है, इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, फिर आपको ये तीन बातें यहाँ से ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद दो तीन बातें मैं आपको और बताऊँगा। अब अपने बात करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आएंगे, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया विभव का अंतर, यानी कि दो आपके पास के अलग अलग पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों का जो विभव होगा, उन दोनों के विभव का जो अंतर होगा, उसी को ही आप लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। अब देखो इसकी डेफिनेशन, अगर ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करें, ये मान लेते हैं अपने पास फेज है और यहाँ एक लैंप लगा दिया आपने और ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसका जो विभव होगा उसको वीपी मानेंगे, इसका जो विभव होगा वो वीएन मानेंगे। अब आपको पता है कि जो विभवांतर जो होगा वो दो बिंदुओं के बीच का होगा, यानी कि कोई भी जो दो पॉइंट होगा उन दोनों के बीच का ही लेंगे हमने। तो पहली बात याद रखना है कि इसकी जो डेफिनेशन होगी, वहाँ हमने जो पढ़ा था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि वहाँ तो आपने अनंत पढ़ा था लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपका ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य तो क्या कहलाएगा, तो यहाँ आपको याद रखना है किया गया वर्क जो होगा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है, विभवांतर कहलाता है। अब आप लोग यहाँ से देखें, आपको जो फेज और न्यूट्रल के बीच का विभव का अंतर आपको निकालना है, तो आपको पता है कि इसका जो फार्मूला जो बनेगा, इस बार देखो ये वी पी हो जाएगा, फिर माइनस वी एन होगा, इन दोनों के विभव का अंतर इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन में क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे वापस वही, क्योंकि इकाई आवेश है, किया गया कार्य क्या कहलाता है। अब इन दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग।
अब आपको इसकी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिट वही रहेगी जो विभव की थी, वोल्ट आएगी, जूल प्रति कूलम आएगी, तो वो जो यूनिट है मैंने आपको बताया था वो सारा का सारा वैसा ही रहेगा, तो वहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन चेंजिंग कहाँ आएगा, इसकी डेफिनेशन में चेंजिंग आएगी, इसका सेंस जो लेंगे वो भी क्या आएगा, अलग आएगा। अब एक चीज़ और देखें आप लोग, तो इसकी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिट जो विभव का जो अंतर होगा, यूनिट जो होगी इसकी कितनी रहेगी, क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। इसके अलावा जूल प्रति गुलाम जो होगा वो भी इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें और देखें, अब दो तीन चीज़ें और देखेंगे, देखो आप लोग। ठीक है, कि आपके पास काम क्या होगा कि एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, आपके पास क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। उस वोल्ट मीटर की अगर हमने बात करें, ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं हमने पास क्या है, एक हमने पास ये सॉकेट है, और इस तरीके से आपके घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी होगी, वो सिंगल फेज होगी हमेशा। तो इस सॉकेट के अंदर आपका जो रूल के अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड होगा ये फेज का होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए वो न्यूट्रल का होना चाहिए। आप लोग काम क्या करेंगे, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, आप लोग इनके बीच में लगाओगे। अब आइए, कोई ना कोई रेटिंग दे रहा है, मान लेते हैं 230 दे रहा है, फेज की वोल्टेज 230 वोल्ट है और न्यूट्रल की कितनी है, 0 वोल्ट है। तो इन दोनों के विभव का अंतर कितना आएगा, 230 में से अगर 0 जाएगा तो 230 ही आएगा। मतलब ये जो वोल्ट मीटर होगा अब आपको जो रीडिंग देगा वो 230 ही देगा। इसका मतलब ये बात हुई कि सिंगल फेज के अंदर अगर आप लोग देखें, जो आपका एक बिंदु का जो विभव होगा, यानी कि जो फेज का विभव होगा वही आपका क्या होगा, विभव अंतर होगा। तो ये भी आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि सिंगल फेज जो सप्लाई होगी उसके अंदर विभव और विभव अंतर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि न्यूट्रल की जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। दूसरी बात यहाँ से देखें, ये तो मैंने आपको बताया सिंगल फेज के अंदर। दूसरा अगर आपके पास देखें, एक तो तीन फेज की सप्लाई होगी, तीन फेज की सप्लाई के अंदर अगर आप लोग देखें, ये मान लेते हैं आर फेज है, ये वाई है, और ये क्या बी फेज है, ये तीन फेज अपने पास। आप लोगों को वोल्टेज चेक करनी है तो आप लोग काम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो फेजों के बीच में क्या करेंगे, वोल्टेज जो वोल्ट मीटर होगा उसको लगाएंगे, तो ये यहाँ लगा दिया। अब आपको ये जो रीडिंग देगा, ये जो रीडिंग देगा, यहाँ जो रीडिंग दी है वो अलग होगी और यहाँ जो रीडिंग देगा वो अलग होगा। इसका मतलब इस वोल्टेज का अलग नाम बोलेंगे, इस वोल्टेज का अलग नाम बोलेंगे, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऐसी थ्योरी के अंदर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो वोल्टेज होगी, यहाँ से आपको याद रखना है, देखो सिंगल फेज होगी, सिंगल फेज के अंदर आपको क्या बात याद रखनी है कि आप लोग जो विभवांतर देखेंगे वो फेज और न्यूट्रल के बीच क्या होगा, और इस फेज और न्यूट्रल के बीच का जो विभव का अंतर होगा इसको बोलेंगे अपने फेज वोल्टेज। और आपने स्टार कनेक्शन भी पढ़ा होगा, तो वहाँ एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होगी वो क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज। तो ये मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि फेज और न्यूट्रल की जो बीच की जो वोल्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। दूसरी बात, अगर मेरे पास दो फेज है, एक आर फेज है और एक क्या बी वाई फेज है, इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज होगी, तो दो फेज के बीच की वोल्टेज होगी, दो फेजों के बीच की जो वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब बात आती है कि जो वोल्टमीटर, अभी मैंने आपको बताया था कि वोल्टमीटर सिंगल फेज में क्या बताएगा और तीन फेज में क्या बताएगा। तो जो सिंगल फेज सप्लाई होगी वहां आपको जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो फेज वोल्टेज बताएगा, और जो तीन फेज की होगी उसके अंदर क्या बताएगा, लाइन वोल्टेज आपको बताएगा। तो यहां से आपको क्या बात याद रखनी है कि वोल्टमीटर जो होगा, वोल्टमीटर जो होगा वो आपको क्या बताएगा, ये बताएगा विभवांतर। ठीक है, वोल्टमीटर आपको क्या बताएगा, ये विभवांतर बताएगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, जो सिंगल फेज होगी, सिंगल फेज के अंदर ये बताएगा फेज वोल्टेज, और जो तीन फेज की जो सप्लाई होगी वहां आपको ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब एक चीज और देखें आप लोग, अब आपको मैं दो तीन चीजें और बताऊंगा, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आपको पूछा जाए कि सिंगल फेज की जो सप्लाई होगी, ठीक है, सिंगल फेज की जो सप्लाई होगी उसके अंदर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, तो वो आपको फेज वोल्टेज बताएगा, और तीन फेज के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या बताएगा, ठीक है, विभवांतर बताएगा, लाइन वोल्टेज बताएगा। अब आप लोग देखें कि यहाँ आपके पास फेज की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, यहाँ भी दो फेजों के बीच की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि वोल्ट मीटर जो होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर जो होगा, ठीक है, अब आपको देखो, अगर आपको केवल एसी सप्लाई का मेजरमेंट करना है, यानी कि एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, ठीक है, केवल डीसी का करना है, ठीक है, अगर आपको एसी डीसी दोनों का करना है, यानी कि एसी और डीसी दोनों वोल्टेज का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। इसके अलावा ध्यान रखना, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज,
ठीक है। हाई वोल्टेज एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, हाई एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करना है। फिर अगर आपको करना है लो एसी वोल्टेज, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना है तो आप लोग देखें कि पहली बात तो याद रखेंगे कि वोल्टमीटर जो होगा एनी टाइम, आपने तीन चार मान पढ़े होंगे, आरएमएस मान पढ़ा होगा, औसत मान, एवरेज मान, ये सारा पढ़ा होगा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, सीआरओ, ठीक है। तो एसी वोल्टेज का मेजरमेंट जो भी करेगा वो इंडक्शन टाइप करेगा, ठीक है। इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर होगा, ध्यान रखना। डीसी के अंदर अगर आप लोग करेंगे तो मूविंग टाइप होगा, मूविंग कोयल टाइप होगा, एमसी टाइप लिख रहा हूँ। एसी डीसी दोनों का मेजरमेंट करने वाले कौन कौन से होंगे, एमआई होगा आपका, थर्मोकपल होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखें एसी डीसी दोनों पर जो काम करेगा डायनमो टाइप करेगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ये जो मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ इसके आगे करंट भी लिख सकते हो, करंट वाले भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। हाई वोल्टेज अगर ऐसी करनी है तो आपके पास एक तो चाहिए पिट्टी, पिट्टी प्लस एम आई वोल्टमीटर, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा लो वोल्टेज ऐसी मेजर करना है, यानी कि मिली वोल्ट के अंदर अगर आपको मान चाहिए तो वो जो मेजरमेंट करेगा वो करेगा मूविंग कॉइल टाइप। इसके अलावा सीआरओ जो होगा एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। एसी के अंदर तो ये क्या बताएगा, पीक टू पीक बताएगा, लेकिन डीसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा मान बताएगा, ये आपको बताएगा एवरेज मान। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो वोल्टमीटर होगा विभव अंतर का अगर मेजरमेंट करेगा तो वोल्टमीटर का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। दूसरी बात, सिंगल फेज है तो वो फेज वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा, तीन फेज की होगी तो लाइन वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। दूसरी बात क्या याद रखें, अगर केवल एसी मेजरमेंट करना है तो इंडक्शन टाइप, डीसी का करना है तो मूविंग कॉइल टाइप, इस तरीके से याद रखेंगे। अब आप लोग यहाँ से देखें दो तीन चीज़ें और बताऊँगा। अगर आपके पास जो है अलग अलग टाइप्स के मीटर हैं और आपने अलग अलग मान भी पढ़े होंगे, अगर कोई एसी और डीसी या केवल एसी, ठीक है, एंड एसी, यानी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एसी वोल्टेज का भी मेजरमेंट कर रहा है और डीसी का भी कर रहा है, और साथ में वो काम क्या करेगा, या केवल एक ऐसा है जो केवल एसी का मेजरमेंट करेगा यानी कि इंडक्शन टाइप, तो ये जो भी होंगे ये आपको जो मान बताएंगे वो बताएंगे आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू आपको बताएंगे। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपको बोले कि इंडक्शन टाइप जो वोल्टमीटर होगा वो कौन सा मान बताएगा वोल्टेज का, तो ये हमेशा कौन सा बताएगा, आरएमएस मान। इसके अलावा जो अपने घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है, ठीक है, जो घरेलू वोल्टेज होती है, अगर आपको दे 230 वोल्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा मान है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी हमेशा कौन सा होगा, ये भी आरएमएस मान होगा। फिर एक चीज़ और देखें, केवल जो डीसी का मेजरमेंट करते हैं, डीसी पर मेजरमेंट करने वाला कौन सा था, मूविंग कॉइल था, और डीसी वोल्टेज का जो मेजरमेंट करेंगे वो आपको जो मान बताएंगे वो आरएमएस मान नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे एवरेज मान, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी जो सप्लाई है उसके अंदर जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो कौन सा होगा, तो आरएमएस मान होगा क्या एवरेज मान होगा, तो एवरेज मान इसका राइट आंसर होगा। फिर अगर आपको पूछा जाए सीआरओ, तो सीआरओ एसी के अंदर जो आपको बताएगा ये तो बताएगा पीक टू पीक, यानी कि शिखर से शिखर मान बताएगा, लेकिन डीसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो डीसी के अंदर ये बताएगा वो आपको बताएगा एवरेज मान बताएगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग देखें यहाँ पर, तो एसी डीसी ये सारा मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अब एक चीज़ और देखें, तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस, मात्रक आपको याद रखना है, और अब एक दो बातें और देखेंगे इसके इसी पॉइंट के ऊपर। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और करंट का भी मैं आपको बता दूंगा कि करंट के अंदर एसी डीसी के अंदर कौन सा होगा, करंट की उपस्थिति के लिए कौन सा मीटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें एक चीज़ और देखें, ये अपने पास क्या कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ये मान लेते हैं अपने पास कोई कंडक्टर है, और यह अपने एक लैंप मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं अपने पास एक लैंप है, आपके घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज आती है, ये सिंगल फेज है, और इसका जो विभव आपको दे दिया 230 वोल्ट है, इधर भी ये फेज आपका आर, यहाँ अगर आर फेज है तो इधर भी आर फेज ये 230 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ से क्या दूँगा, न्यूट्रल दूँगा, यानी कि न्यूट्रल दे रहा हूँ, इधर भी न्यूट्रल दे रहा हूँ, तब क्या होगा, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन के अंदर एक तरफ मैं फेज दूंगा और एक तरफ न्यूट्रल दूंगा, यानी एक तरफ 230 वोल्ट होगी और एक तरफ क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा,
यहाँ मैं काम क्या करूँगा, इधर दूंगा 0 वोल्ट, न्यूट्रल की वोल्टेज 0 होगी, इधर भी क्या होगी 0। अब यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि धारा जो अगर प्रवाहित करनी है तो उस सर्किट में क्या होना ज़रूरी है, यानी कि उस सर्किट के अंदर ऐसा क्या हो कि वो करंट का फ्लो करे। तो पहला तो देखो, यहाँ अगर करंट देखे आई का मान होगा या नहीं होगा, यहाँ आई फ्लो होगी या नहीं होगी, यहाँ आई फ्लो होगी ना होगी। देखो अगर आपके घर के अंदर सिंगल फेज की सप्लाई है तो आर फेज यहाँ आएगा, यहाँ भी आर फेज आएगा। इसके अलावा अगर ये कंडीशन होती, इधर आपका आर फेज है और इधर आपका वाई फेज है, तब इस पर जो वोल्टेज होती वो 230 अगर आ रही है तो 230 का रूट 3 गुणा कर लेते तो ये लगभग जो होगा आपका 415 के लमसम आएगा। और इस लैंप की जो क्षमता है वो 100 वाट और 230 वोल्ट मान लेते हैं या 250 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। देखो इस ऊपर वाली कंडीशन को देखेंगे पहले, एक दो और ये तीन, इन तीन कंडीशनों को देखेंगे, उसके बाद इस नीचे वाली कंडीशन पर बात करेंगे। पहला तो आप लोग देखिए, यहाँ अगर मैं 230 दे रहा हूँ, यहाँ भी मैं 230 दे रहा हूँ, उस कंडीशन के अंदर ये जितनी वोल्टेज, क्योंकि ये इधर अब इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करेगा और ये इधर खींचने का काम करेगा और दोनों की पावर सेम है, दोनों की जो वोल्टेज है वो सेम है, इस कंडीशन के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, इसका मतलब करंट का मान क्या होगा 0 और इसका मतलब लैंप प्रकाशित नहीं होगा। अगर मैं दोनों तरफ न्यूट्रल डायोड देता हूं तो आपको पता है ये भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये भी नहीं लगा रहा, इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं चल रहे, तो यहाँ भी जो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। लेकिन यहाँ देखें 230 है, यहाँ क्या 0, तो ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऐसा खींच कर लाएगा पॉजिटिव साइकिल के दौरान, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इधर की ओर तो करंट कैसे फ्लो होगी इस तरीके से, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी उल्टी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि करंट तभी फ्लो होगी, देखो यहाँ विभव का अंतर कितना है, यहाँ जो विभव का अंतर है वो कितना है 0, ठीक है, यहाँ जो विभव का अंतर होगा वो कितना है 0 है, यहाँ भी अगर आप लोग देखें विभव का अंतर होगा वो क्या होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ विभव का अंतर कितना है 230। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है, विभव चाहिए, विभवांतर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए। तो धारा हमेशा तभी प्रवाहित होगी जब विभव का अंतर हो, तो धारा प्रवाहित होने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। अगर किसी सर्किट में करंट 0 है तो एक चीज़ हमेशा 0 होगी, वो क्या होगा विभव का अंतर, लेकिन उस बिंदु का विभव 0 ये जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 0 है, विभवांतर भी 0 है, विभव भी 0 है, लेकिन यहाँ विभवांतर 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभव का अंतर, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद आगे देखिए इसके अंदर, तो ये दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके जरूर याद रखें कि आई अगर शून्य है, ठीक है, यानी कि धारा प्रवाह के लिए, ठीक है, धारा प्रवाह के लिए क्या चीज़ जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि क्या चाहिए, विभवांतर, पहली बात आप लोग याद रखें। दूसरा, यदि धारा 0 है, यदि करंट का मान क्या 0, तब विभवांतर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तब विभवांतर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, ये जरूरी है ध्यान रखना। लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन विभव 0 यह आवश्यक नहीं है, यानी कि यह जो है वो जरूरी नहीं है कि विभव जो होगा वो भी क्या हो 0। तो ये तीन बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि किसी विद्युत सर्किट के अंदर धारा प्रवाह, अगर धारा का मान 0 है तो निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से 0 होगा, तो आंसर आएगा विभवांतर। धारा प्रवाह किसकी वजह से होगा, तो विभवांतर के कारण होगा। अब ओम का नियम देखते हो आप लोग, और यहाँ पूछ ले ये क्या चीज है, देखो या तो इसको वोल्टेज देख दे, ये भी ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा तो इसको वोल्टेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, अगर या तो इसको वोल्टेज देगा तो ठीक है, वोल्टेज का मतलब ये होगा विभवांतर। अगर वोल्टेज नहीं देता वो, अगर वो वोल्टेज नहीं देता तब आपको इसका मान देगा, जैसे विभव दे दिया, विभवांतर दे दिया, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है, कुछ भी दे दिया, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे ये जो पॉइंट जो होगा इस समय ये आपका विभवांतर होगा, उस कंडीशन के अंदर ये जो V होगा ये क्या होगा विभवांतर होगा। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो EMF के बारे में बात करें। अब इन तीनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि EMF क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। आप लोगों ने इन चारों पांचों चीज़ों को बहुत बार पढ़ा होगा तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो विभवांतर नहीं लिखा होगा तो वहाँ वोल्टेज भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो वोल्टेज का मतलब यही होगा कि वो विभव का अंतर आपको बता रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 11 केवी की जो लाइन है, ये 11 केवी की जो लाइन है ये तीन फेज के अंदर है, तो ये आपको पूछा जाए क्या है,
तो ये लाइन वोल्टेज होगी, और लाइन वोल्टेज का यहाँ जो मान होगा वो कौन सा होगा, वो आरएमएस मान होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू सप्लाई वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कौन सी है, तो ये हमेशा याद रखेंगे फेज वोल्टेज होगी। और ये वी का जो मान अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो ये आरएमएस मान होगा, ये इसको प्रभावी मान, वर्ग माध्य मूल मान भी कहा जाता है। अब ईएमएफ क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। मान लेते हमने पास क्या एक बैटरी है या सेल है, ईएमएफ का पूरा नाम याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। अब ये अपने पास मान लेते हैं कोई सेल है या बैटरी है, कुछ भी है, सेल मान लेते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव है। अब आपके पास क्या होगा, वोल्टमीटर होगा या मल्टीमीटर होगा। एक चीज़ ये भी देखना, मल्टीमीटर अगर आपसे पूछा जाए एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा तो आरएमएस मान दिखाएगा, और डीसी का अगर पूछा जाए तो एवरेज मान बताएगा। तो ये आपके पास क्या है, वोल्टमीटर है, आपने इसके टर्मिनलों पर लगाया। अब आपने इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं जोड़ा, इसका मतलब इस समय ये क्या होगा, लोड नहीं जोड़ेंगे तो करंट का मान क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये किस सर्किट के अंदर, ओपन सर्किट के अंदर है। दूसरी कंडीशन अगर आप लोग देखें, दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये सेल है अपने पास और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, कोई लैंप जोड़ दिया या कोई लोड जोड़ दिया, और यहाँ आपने क्या कर दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये तो ओपन सर्किट था, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध वैसे ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, अनंत होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया, ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन के अंदर ये कोई ना कोई आपने कोई भी युक्ति जोड़ दी, जैसे मैंने यहाँ लैंप दिखाया, तो इस कंडीशन के अंदर तो देखो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये सेल है, ये इस वोल्टमीटर मैंने सीरीज में जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया, तो इस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखें तो ये जो होगा, इस लैंप के अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो होगी, जलेगा। इस कंडीशन के अंदर इसको बोलेंगे अपने क्लोज सर्किट, ठीक है, क्लोज सर्किट होगा। अब आप लोग यहाँ से देखें, ओपन सर्किट है आपके पास, एक अपने पास क्लोज सर्किट है, तो यहाँ करंट का मान जीरो होगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ होगा। और आपको पता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, सेल के टर्मिनल होंगे, एनोड के थोड़ा होगा, तो उन सब का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यहाँ अगर इस सेल के ऊपर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, ये क्या होगा, लेकिन आपको पता है कि जब इस सेल को मैं जोड़ूंगा, आगे लोड से जोड़ूंगा, तो ये 1.5 वोल्ट जो पहले रीडिंग दे रहा था वो 1.5 नहीं देगा। अब इसकी रीडिंग मान लेते हैं कितनी आ गई, 1.35 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, यानी इस समय जो वोल्टेज होगी वो घट गई। यहाँ वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ वोल्टेज दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ देखिए सेल क्या है, ओपन सर्किट में, यानी कि जब सेल क्या होगा, खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होगा, तब सेल के सिरों पर जो मापी गई वोल्टेज होगी वो क्या कहलाती है, वो ईएमएफ कहलाती है। यानी कि ओपन सर्किट होगा तो उस समय जो सेल की जो वोल्टेज होगी वही इसका क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, ठीक है, तब सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टता, सेल के टर्मिनलों या सिरों पर मापी गई वोल्टता जो होगी वो क्या कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ईएमएफ। लेकिन जब सेल, इसी लाइन को अगर आपने पढ़ेंगे कि सेल जब क्या होगा, बंद परिपथ में होगा, क्लोज सर्किट के अंदर होगा, उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, जो सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टेज होगी, उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। अब एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ हो। अब देखो इसकी वोल्टेज 1.5 थी, यानी 1.50 थी, आपको कितनी थी, 1.35, इसका मतलब जो 0.15 वोल्ट जो थी वो कहाँ चलेगी, ये 0.15 वोल्ट होगा, ये सेल ने क्या कर लिया, ड्रॉप, और इसी को ही आप लोग क्या बोलेंगे, वोल्टता ड्रॉप। तो एक चीज याद रखना कि टर्मिनल वोल्टेज जो लोड के सिरों पर होगी वही होगी, विभवांतर भी वही होगा जो इसके टर्मिनलों पर होगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और वोल्टेज ड्रॉप, देखो वोल्टेज ड्रॉप अगर इस सेल, इस लैंप का अगर पूछा जाए तो इस लैंप का जो वही होगा जो इसके टर्मिनलों पर होगा, सेल का पूछा जाए तो सेल ने जो वोल्टेज का ड्रॉप किया वो उसका अलग होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगी, ये सारा का सारा सिस्टम अगर देखें तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल से समझेंगे, एक चीज़ तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है, सेल का जो ईएमएफ अगर ई है और इसकी टर्मिनल वोल्टेज वी है, तो सेल का जो ईएमएफ होगा वीटी प्लस आईआरए, ठीक है, आईआर। और आईआर देखो क्या रहेगा कि सेल का ईएमएफ 1.5 था, आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिली 1.35 और वोल्टेज ड्रॉप कितना कर दिया, 0.15। तो ये आईआर जो है ये सेल का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, जो आईआर है वो सेल का क्या है, वोल्टेज
ड्रॉप है। तो ये इसकी पूरी जो डिटेल होगी हमने पढ़ेंगे सेल और बैटरी के अंदर पढ़ेंगे। अब दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों चीजों के अंदर जो कन्फ्यूजन होती है उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, मान लेते हैं अपने पास क्या दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको मैंने 30 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। इसका मान लेते हैं 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 30 वोल्ट जो होगा ना, इन दोनों पर क्या है, विभव का अंतर है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन इस पर वोल्टेज कितनी होगी, इस पर कितनी होगी वो देखेंगे। तो इस पर अगर वोल्टेज निकालनी है तो V बराबर IR का यूज करना पड़ेगा। R का मान तो 5 दे रखा है लेकिन करंट का मान नहीं दे रखा, तो I कैसे निकलेगी, V अपॉन में R करेंगे, वोल्टेज 30 रहेगी, रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 15, तो करंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितना आएगा 2 एम्पीयर। तो I का मान कितना आएगा 2, तो V बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। इसका मतलब इस पर जो वोल्टेज होगी वो 10 वोल्ट होगी, और इस पर अगर आपको नहीं निकाल के देखें तो कितना आएगा 20, क्योंकि टोटल 30 है, तो इस पर अगर 10 है तो इस पर 20 होनी होनी। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 5 वोल्ट वाला ड्रॉप करेगा वो 10 करेगा और इस पर कितना होगा 20। अब आप लोग यहाँ से देखें, अगर यहाँ कोई युक्ति होती, इस प्रतिरोध की जगह मैं कोई लैंप लगा देता हूँ, तो आप लोग ये बोलते हैं कि इस पर जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज है 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 10 वोल्ट है, इस पर विभव का अंतर है वो भी कितना है 10 वोल्ट है। तो एक चीज तो याद रखेंगे, जो विभव का जो अंतर होगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज होगी, ये सारा का सारा जो है, या वोल्टता ड्रॉप होगा, ये सारा का सारा एक दूसरे से रिलेट ही है, यानी कि तीनों चीजें जो होगी वो बोलते टाइम अलग अलग जरूर आप लोग समझ सकते हो, लेकिन इसका जो मीनिंग जो निकलेगा लास्ट के अंदर वो हमेशा एक निकलेगा। इसी तरीके से इस पर अगर आपको पूछा जाए कि इस पर वोल्टेज कितनी है, मतलब इस पर जो विभवांतर कितना है 20 है, इसका ड्रॉप कितना है तो भी 20 बोलेंगे। इस पर टर्मिनलों पर वोल्टेज, इसके टर्मिनल ये रहे, इन दोनों पर वोल्टेज कितनी है तो भी कितनी है 20 वोल्ट रहेगी। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको करंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको पिछली क्लास में नहीं बता पाया था। तो करंट के ऊपर देखो, वीडियो देखो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ये क्लासे आप लोग चाहते हो कि रेगुलरिटी बना रहे, और जितना भी मैंने आपको बताया इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग कर ना सको। करंट के अंदर देखें हम लोग, करंट अगर आपको करनी है एसी, केवल एसी मेजरमेंट करनी है, यानी कि ओनली एसी करनी है, तो आप लोग यूज करेंगे इंडक्शन टाइप। लेकिन ध्यान रखना, जो आरएमएस मान एवरेज मान बताया था वो आपका वो सेम ही चलेगा, और ये मान बताएगा आरएमएस मान। दूसरा, ओनली अगर डीसी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका आएगा मूविंग कॉइल, और ये बताएगा एवरेज मान। फिर ऐसा मीटर जो एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं वो वापस तीनों आएंगे, मूविंग आयरन आ जाएगा, थर्मोकपल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा थर्मोकपल हो गया, हॉट वायर भी इसी के अंदर आएगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसके अलावा डायनमो टाइप जो हो गया, और ये सारे के सारे कौन से मान बताएंगे, आरएमएस मान बताएंगे। फिर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए हाई एसी करंट, यानी हाई एसी करंट जो होगी उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो हाई जो होगी उसको आप लोग सीटी साथ यूज करेंगे, और साथ में करेंगे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, सीटी प्लस एमीटर यूज करेंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखना, अगर आपको पूछे चालू चलती लाइन में, यानी कि लाइन को बिना तोड़े, चलती लाइन या बिना तोड़े, ठीक है, तो बिना तोड़े अगर आपसे पूछा जाए तो आपने एक नाम सुना होगा टोंग टेस्ट, या क्लैपॉन मीटर भी उसको बोला जाता है, तो टोंग टेस्ट का इसके अंदर यूज किया जाता है। फिर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए धारा की दिशा, या तो धारा की दिशा दे देगा या धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति, तो यहां आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसको धारा मापी भी बोला जाता है। तो यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करेंगे, या हाई एसी करंट जो होगी, या हाई वोल्टेज की जो एसी लाइनें होगी, एसी करंट होगी, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो सीटी और एम्पीयर मीटर के साथ में यूज करेंगे। केवल एसी का मेजरमेंट अगर पूछे तो इंडक्शन टाइप होगा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगली जो क्लास रहेगी अपनी, अगली जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, तो ये चार टॉपिक अपने उसके अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।